नमस्ते, मैं ईश्वरी उर्वशा। आज आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिसे आप लगा सकते हैं, अगर आप नर्सरी गए हैं, नर्सरी जाना चाहते हैं, तो आप वहां से कौन कौन से प्लांट हैं जिसे परचेज़ करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मनी प्लांट है, अगर आप अपने गार्डन में मनी प्लांट को ऐड करते हैं तो बहुत ही सुंदर सा लुक आता है, क्योंकि मनी प्लांट को आप बास्केट में लगा सकते हैं और मॉस्टिक स्टिक के सहारे भी लगा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। आप इसको ग्लास जो होता है, ग्लास का बॉटल जो होता है, उसमें भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहला प्लांट तो हमारा मनी प्लांट का है, जिसे अभी आप इस मंथ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और अपनी गार्डन की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको आप पानी में भी मिट्टी में भी दोनों में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा होता है ये मनी प्लांट। इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। और अगला हमारा जो प्लांट है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस मंथ आप अपने गार्डन में कौन कौन से प्लांट को ऐड कर सकते हैं। तो सेकेंड प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। ये देखिए, स्नेक प्लांट की भी मेरे पास चार पांच वैरायटी है और अभी आप इसको अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो इस टाइप की स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटियां आती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो आप बिल्कुल अपने गार्डन में स्नेक प्लांट ऐड करिए। इस मंथ आप इसको ज़रूर लाइए और अपने गार्डन में लगाइए। ये देखिए, मेरे पास तीन अलग अलग दिख रहे हैं, सारी वेरिएंट है। मैंने मेरे पास जो स्नेक प्लांट है ये अलग वाली है। ये देखिए, चारों की क्वालिटी अलग है, चारों में जो है सेडेड उसके अलग है। बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है स्नेक प्लांट। आप इसको भी पानी में मिट्टी में किसी भी तरह से ग्रो कर सकते हैं, दोनों तरीके से, पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं स्नेक प्लांट को। तो इसको आप अभी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में स्नेक प्लांट को। इसकी जो मिट्टी होती है बहुत ही हार्ड या सॉफ्ट नहीं, आप किसी भी तरीके की मिट्टी में इसको आप लगा सकते हैं स्नेक प्लांट को। और जैसे भी इसको धूप छांव कैसे भी जगह रखिए, ये चलता है। अगला हमारा प्लांट है टर्टल वाइन। ये देखिए, हार्ड टर्टल वाइन है, इसको भी अभी आप इस मंथ लगा सकते हैं। और ये जो है मेरी कटिन है, देखिए कि जो कटिन है वो कितने अच्छे से ग्रो हो रही है और कितने हेल्दी तरीके से ये चल रही है। मेरे जो है बाकी हैंगिंग में लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कटिन दिखा रही हूँ कि अगर आप कटिन लगाते हैं तो भी अच्छे से चलेगा। और अगला हमारा जो प्लांट है ये है जेट प्लांट। जेट प्लांट को लकी प्लांट बोलते हैं और ये भी कटिन से ग्रो हुआ है और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है, हेल्दी है और बहुत ही जल्दी से अभी ये सर्वाइव कर रहा है, बहुत अच्छे से ये चलता है ये प्लांट। छोटी छोटी कटिंग से भी ये लग जाता है जेट प्लांट जो है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं इस मंथ। अगला है ये देखिए हमारा पर्पल हार्ट बोलते हैं, बहुत ही सुंदर है, अभी इसमें फूल भी खिलने लग गया है, पिंक कलर का इसमें फूल भी आता है। तो इस पर्पल हार्ट को भी आप लगा सकते हैं इस मंथ, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है अभी बहुत अच्छे से होती है इस मंथ। जो है हमारा सभी प्लांट के लिए ग्रो करने का बहुत अच्छा टाइम रहता है, तो आप इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग लेके भी लगाते हैं तो लग जाता है। अगर आप नर्सरी गए हैं तो बिल्कुल उसको ऐड करिए। और है कलेथिया का, कलेथिया की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो अगर आप कलेथिया भी अगर अपने गार्डन में लगाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कलेथिया का जो प्लांट है अभी ये जो है मेरा नीचे से नए नए और ब्रांच निकल रहे हैं, तो आप कलेथिया को भी लगा सकते हैं। और ये है फॉरएवर रिच प्लांट बोलते हैं इसको, ये बहुत ही खूबसूरत सा ये लगता है ये प्लांट, आप देख रहे हैं इसकी जो लुक है ये एलोवेरा की तरह दिखता है। और ये भी है वेरिएंट प्लांट है, इसकी जो क्वालिटी अलग ही तरीके की है। और है हमारा फन प्लांट, इसको भी आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके भी नए नए जो लीव्स हैं वो निकलते हैं अभी इस टाइम में, जो है सभी प्लांट जो है अपनी ग्रोथ में रहते हैं, तो फन प्लांट भी आप इस महीने लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा दिखता है। फन प्लांट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है,
बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। और अगला हमारा है कार्डिलाइन का। कार्डिलाइन में भी मेरे दो टाइप की, अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये दूसरी है। बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं कार्डिलाइन की। ये वेरिगेंट प्लांट है, इसको भी आप अभी इस मंथ लगा सकते हैं। अगर आप नर्सरी जाते हैं तो बिल्कुल इस टाइप के पौधे अगर आपको दिखे तो इसको परचेज करिए और अपने गार्डन में ऐड करिए कार्डिलाइन को। अगला जो हमारा पौधा है ये है एग्लोनीमा पिंक का। और एग्लोनीमा अभी बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो हो रहा है और बहुत ही बुशी हो गया है। आप देख ही रहे हैं जो मेरा पॉट है कैसे भर गया है। तो आप अगर एग्लोनीमा पिंक लगा रहे हैं या एग्लोनीमा रेड लगा रहे हैं तो आप एग्लोनीमा की कोई भी वैरायटी अभी इस समय आप लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी छोटी कटीन, इसको भी अगर आप लगाते हैं तो भी अभी आपके गार्डन में ऐड हो जाएगा। तो आप एग्लोनीमा का भी कोई प्लांट लगा सकते हैं। और देखिए कितने अच्छे से बूसी हो गया है, भर गया है पूरा पॉट मेरा, दोनों प्लांट का ही जो है भरा हुआ है मेरा। तो इस तरीके से आप ये। और अगला जो मेरा प्लांट है ये है ड्रेकिना का। ड्रेकिना का जो प्लांट होता है इसमें भी बहुत सारी वैरायटियां आती है। ड्रेकिना देखने में ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत रहता है। अगर आप ड्रेकिना का प्लांट ऐड करते हैं तो भी आपके गार्डन में चार चांद लग जाएंगे। तो आप ड्रेकिना को भी लगा सकते हैं अभी इस मंथ में। बहुत ही सुंदर सा प्लांट होता है ड्रेकिना का और बहुत ही अच्छा लुक आता है। और ये है मेरा जो सिंघोनियम। सिंघोनियम जो है बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में आते हैं। ये जो है पिंक कलर का है, आप देख रहे हैं पिंक में है। और जो ये वाला है थोड़ा पिंकिश कलर में है, पिंकिश नहीं सॉरी क्रीम कलर में है वाइट टाइप से। और एक जो है ग्रीन में है। ये जो वाला जो है मेरा सिंघोनियम उसमें पिंक सेडेड, मतलब पिंक बीच से है। तो बहुत सारी वेरिगेंट कलर में इसमें भी आता है सिंघोनियम में। तो सिंघोनियम को भी आप इस मंथ लगा सकते हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटी और अच्छी अच्छी जो इसमें वेरिगेंट आते हैं बहुत ही सुंदर लगता है। और ये इसकी वैरायटी देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए कितनी सुंदर है। ग्रीन में और वाइट सेडेड लिए हुए सिंघोनियम की भी ये दूसरी वैरायटी है। तो आप सिंघोनियम की वैरायटी और उसके जो प्लांट्स हैं उसको भी आप अपने गार्डन में अभी लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अगला जो ये प्लांट है फर्न प्लांट है, फर्न ब्लू स्टार बोलते हैं इसको, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम नर्सरी जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स हम देखते हैं, हमको पता नहीं होता कौन कौन से प्लांट हमें परचेज करने चाहिए। तो इस मंथ जो है ये सारे प्लांट आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं गोल्डन स्टोन। ये गोल्डन का जो है हैंगिंग बास्केट में आप लगा सकते हैं। और ये जो मैंने आपको अभी दिखाया वो जो है मैंने कटिंग लगा के रखा हुआ है छोटा छोटा, वो है कि आप इस मंथ आप इसको भी ऐड करेंगे तो आपका जो हैंगिंग प्लांट है वो पूरा बुशी हो जाएगा, भर जाता है। और कोलियस को भी आप इस मंथ लगा सकते हैं। कोलियस की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। कोलियस का प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत रहता है। और जो है मोस रोज़ को भी आप लगा सकते हैं। मोस रोज़ में भी बहुत सारे कलर और बहुत सारी वेरिगेंट वैरायटियाँ आती हैं, छोटे से लेके बड़े तक में इसकी जो है वैरायटी आती है। इसको बोलते हैं कैलेडियम। कैलेडियम में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो आप कैलेडियम को भी लगा सकते हैं। कैलेडियम का जो बल्ब मिलता है आप उसको नर्सरी से परचेज करके लगा सकते हैं। और इसको बोलते हैं एलोकेशिया। एलोकेशिया में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये। तो आप एलोकेशिया को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इस मंथ आप लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं सिल्वर ड्रैगन। बहुत ही सुंदर दिखता है ये सिल्वर ड्रैगन। अभी नई नई जो लीव्स है उसमें निकल के आ रही है। तो आप इस प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है अगर आप लोगों के कुछ काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।